Hello learners, welcome to management classes with Pallavi. In this unit I will explain about the difference among the strategy and the policies, then the strategy and the various procedures, programs and your rules, and lastly strategy versus tactics, right? So let's start our video. In the first slide, firstly I will tell you about the policies. What are the policies all about? So if we to talk about policies, these are designed to guide the behavior of managers. ये एक तरीके का guider होती हैं या guidance provide करती हैं जो managers का behavior है उसको hold करके रखता है, उसको mold करता है, ठीक है, ताकि जो भी strategies और objectives achieve करने हैं वो easily achieve हो सकें, right? नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द गाइडलाइंस फॉर डिसीजंस एंड एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ सबॉर्डिनेट्स. मतलब आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या एक्शंस लेंगे, क्या वो डिसीजंस लेंगे, अगर उनके पास वो पावर है डिसीजंस लेने की, तो उनके उन डिसीजंस और एक्शंस को कौन गाइड करता है, पॉलिसीज गाइड करती है. तो आप देख रहे हो हर लेवल पर पॉलिसीज का रोल मेंशन है. थर्ड पॉइंट है, इसमें पॉलिसीज कंसर्न विद द कोर्स ऑफ एक्शन चूजन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ सेट ऑब्जेक्टिव. जो भी ऑब्जेक्टिव आप सेट करते हो उसको फुलफिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन आप चूज करोगे, ठीक है, उसको ये पॉलिसीज ही सपोर्ट करती हैं, राइट, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी रिलेटेड टू स्टेटेड ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी एंड असिस्ट इन देयर इम्प्लीमेंटेशन. जो भी पॉलिसीज़ आप बनाएंगे वो ऐसी होनी चाहिए जो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच करे और जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं उससे मैच करे, और ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी को अकम्प्लिश करने के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये पॉलिसीज़ हेल्पफुल होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स टू द एक्सटेंट दैट दे आर अनेबल टू मेक चेंजेस व्हेन दीज आर नेसेसरी. ठीक है, इसीलिए ये बोला गया है कि जो मैंडेटरी पॉलिसीज़ हैं उनको रूल्स रिगार्ड कर दिया जाए, मतलब रूल्स बोल दिया जाए रेदर देन पॉलिसीज़. क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट में चेंजेस होंगे तो उसी हिसाब से हमें ऑब्जेक्टिव्स और अपनी स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे. जब ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज़ चेंज होंगे तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ में भी हर लेवल के लोगों को चेंजेस लाने पड़ेंगे. तो इसलिए बोला गया है जो पॉलिसीज़ हैं वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए. ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल हो गई पॉलिसीज़ की, आपकी रिटर्न पॉलिसी, बहुत सारी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन की. तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए बनाई जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई जाती हैं, और ये इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ना ज़्यादा रिजिड होनी चाहिए. मतलब अगर नीड पड़े तो मैनेजर पॉलिसीज़ को में कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकें. हालांकि पॉलिसीज़ में चेंज करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, वो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर माइन्यूट चेंजेस करने हो पॉलिसीज़ में तो जो मैनेजमेंट है वो इजीली कर सके. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करेंगे, लेकिन उस पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइमली. नेक्स्ट पॉइंट पॉलिसीज़ में आपका ये आ जाता है, जब मैनेजर्स पॉलिसीज़ को क्रिएट करते हैं अपने डिविजन्स के लिए, मतलब जो डिविजन्स हैं आपके या जो और भी फ्रेंचाइजीज हैं आपके यूनिट्स हैं बिजनेस की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनल मैनेजर्स हैं, बिजनेस यूनिट्स हैं, तो जो भी ये लोग जो भी पॉलिसीज़ क्रिएट करें इन सब में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए मेन ऑर्गेनाइजेशन से. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पॉइंट, सम पॉलिसीज़ विल बी फोर्स्ड ऑन द कंपनी बाय द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जैसे कि गवर्नमेंट. ज़रूरी नहीं जो पॉलिसीज़ हैं वो इंटरनली हमेशा मैनेजमेंट बनाए, जो एक्सटर्नल आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट, वो भी आपको फोर्सफुली किसी पॉलिसी को फॉलो करने के लिए फोर्स कर सकते हैं. जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी है लेबर लॉ से रिलेटेड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपको फॉलो करनी ही करनी है. ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट योर पॉलिसीज़. अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़ में.
अब जो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये बोलता है कि जो आपकी स्ट्रैटेजीज़ हैं ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, और जो पॉलिसीज़ हैं वो गाइड करती हैं, ठीक है, पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि जो स्ट्रैटेजी है वो ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए बनाई जाती है, और जो पॉलिसीज़ हैं वो दोनों स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में था, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जितने भी रिसोर्सेज आप ह्यूमन और फिज़िकल जो भी आप एम्प्लॉय कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उनसे मैक्सिमम आउटपुट अचीव करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल को ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए ये क्रिएट करी जाती हैं इन दी फेस ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल, मतलब चेंजिंग एनवायरमेंट सिनेरियो को देखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है, एवरी वन इन दी ऑर्गेनाइजेशन आर एम्पावर्ड टू इम्प्लीमेंट देम। जो स्ट्रैटेजी जो फ्रेम करता है टॉप मैनेजमेंट उसको इम्प्लीमेंट कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है या कोई भी एम्प्लॉई उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड बिकॉज डाउनवर्ड बिकॉज इट मे रिक्वायर्ड लास्ट मिनट डिसीजन, सिंस ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव एज को जीतने के लिए होती हैं, तो इसीलिए इसको डेलीगेट नहीं किया जाता है लोअर लेवल पे, ये टॉप लेवल के ही हाथ में रहती है, क्योंकि इसमें लास्ट मिनट चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं मैनेजमेंट को। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम बात करेंगे डिफरेंस इन स्ट्रैटेजी एंड टेक्टिक्स। टेक्टिक्स का मतलब होता है ट्रिक्स या टेक्निक्स जो आप यूज़ करते हो अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो आपको टारगेट्स मिले हैं उसको अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें इन बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड टेक्टिक्स, तो जो स्ट्रैटेजी है वो डिटरमाइन करती है मेजर प्लान्स को, ठीक है, जो आपको फॉर्मुलेट करने और उसको इवैल्यूएट करके इम्प्लीमेंट करने है। लेकिन जो टेक्निक्स होती हैं जो आपके प्री डिटरमाइंड प्लान्स होते हैं, जो प्लान्स ऑलरेडी बन गए होते हैं उनको कैसे अकम्प्लिश करना है, वो चीज़ हम ट्रिक्स के थ्रू यानी कि टेक्टिक्स के थ्रू करते हैं, समझ रहे हैं ना। पहले क्या है, हम प्लान्स को फॉर्मुलेट या डिटरमाइन करने के लिए हम स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं, जब वो प्लान बन जाते हैं उन प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए हम टेक्टिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस ये आ जाता है, जो टेक्टिक्स डिसीजन होते हैं वो आप हर लेवल पर डेलीगेट कर सकते हो, मतलब हर लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो उसकी अथॉरिटी, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में ही रहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट स्कैनिंग करनी पड़ती है और कॉम्पिटिटर्स के ऊपर विनिंग एज लेने के लिए लास्ट मिनट में जो मैनेजर्स को हैं वो अपने डिसीजंस भी बदलने पड़ सकते हैं, तो इसलिए इसकी पावर जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास ही होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी इज डिफ़िकल्ट देन द इवैल्यूएशन ऑफ टेक्टिक्स। स्ट्रैटेजी सिंस हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एज विन करने के लिए अचीव करने के लिए हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी का करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है देन द इवैल्यूएशन ऑफ टेक्टिक्स। प्लस इसके जो इवैल्यूएशन है वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं आपके टॉप मैनेजमेंट में, ठीक है, वो ही करते हैं, और इवैल्यूएशन ऑफ टेक्टिक्स आपका लोअर लेवल भी कर सकता है और मिडिल लेवल भी कर सकता है जिसको कम नॉलेज है। नेक्स्ट है, जो स्ट्रैटेजी है इसमें एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करी जाती है, SWOT एनालिसिस करी जाती है, इसीलिए कोई भी स्ट्रैटेजी क्रिएट करने के पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है अपने कॉम्पिटिटर्स की, मार्केट की, इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। लेकिन जो आपकी टेक्टिक्स है उसके लिए आपको इतनी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। Now in our next topic we will talk about the programs. What is program all about? Procedures and the rules, right? तो सबसे पहले अगर हम programs की बात करते हैं तो programs एक single use जो आपका plan होता है, one time plan जो होता है उसको कैसे implement करना है, execute करना है, उसके सारे principal steps बताता है, ठीक है, वो steps help करते हैं, वो plan help करते हैं objective को accomplish करने के लिए। plus जो भी स्टेप्स आप यूज़ करेंगे उस हर एक एक स्टेप में कितना टाइम लगना चाहिए वो भी चीज़ क्या बताता है, प्रोग्राम्स बताता है, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन से इसमें ये इंक्लूड करता है जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, बाय हुम, व्हेन एंड वेयर। बाय हुम कौन एक्शंस लेगा, व्हेन कब एक्शन लिए जाएंगे, वेयर कहाँ एक्शन लिए जाएंगे, राइट। तो बेसिकली जो प्रोग्राम्स हैं ये एक डिटेल स्टेटमेंट होता है जो हर एक स्टेप को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता है, बताता है कि हर एक स्टेप कितना टाइम लेगा,
कौन उसको करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, ये बेसिकली जो आपके पॉलिसीज़, मेथड्स, बजट, रूल्स होते हैं उन सब का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स जैसे आपने सुना होगा, आप कहीं रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हो या हर एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट पॉलिसीज अलग अलग होती हैं, तो वो कौन सा प्रोसीजर ऑप्ट करते हैं, जैसे कि पहले वो एडवर्टीजमेंट देंगे, फिर जो एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशंस आएंगी उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट, उसमें से बेस्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको कॉल की जाएगी, इंटरव्यू किया जाएगा, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होंगे उसके, फाइनली उसका सिलेक्शन होगा, राइट। तो ये क्या है, ये प्रोसीजर्स हैं जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को अंडरटेक किया जा रहा है, हर एक फंक्शंस को अंडरटेक करा जा रहा है, ताकि आप एक स्पेसिफिक जो टास्क है, जैसे रिक्रूटमेंट का एक टास्क है, सिलेक्शन का एक टास्क है, ठीक है, ट्रेनिंग का एक टास्क है, वो जो है आप अकम्प्लिश कर सकें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है, ये एक प्रिसाइज मीन्स है, मतलब प्रिसाइज मतलब क्लियर है और स्टेप बाय स्टेप गाइड है, इसलिए इसको प्रिसाइज बोला गया है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, जो हमको गाइड करता है कि कैसे एक्शन लेने हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनी के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफर से रिलेटेड, जो बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। और लास्ट पॉइंट, ये प्रोसीजर जो है वो रिजिड होते हैं, अलाउ नो फ्रीडम। एक बार जो फॉर एग्जांपल आपने हायरिंग के लिए, सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर बना लिया है, आप उसको मोस्टली 99% मतलब जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है आप वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इन केस हाँ, अगर उसमें उसकी वजह से कोई डेविएशन हो रहा है, आप अपने टास्क अचीव नहीं कर पा रहे, तब चेंजेस होंगे, अदरवाइज वो जो प्रोसीजर है वो रिजिड ही रहेगा, राइट। लास्ट आपका जाता है रूल्स। रूल्स जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके घर में भी रूल्स होते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना कंपलसरी होता है। जैसे आपकी ऑफिस की टाइमिंग है मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 7, तो ये क्या है, रूल है। अगर आप इसके लेट आते हैं या आप उस टाइम के बीच में जाते हैं तो आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, राइट। नो स्मोकिंग, ये एक रूल है, ठीक है। अगर आप ये रूल ब्रेक करते हैं तो उस केस में आपको पेनल्टी या पनिशमेंट भी मिल सकती है, राइट। तो जो ये रूल्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं या नॉर्म्स हैं जो हर एक बिजनेस एम्प्लॉय को फॉलो करने हैं, राइट। और इसमें जैसे कि प्रोसीजर में टाइम एस्टिमेट था, सीक्वेंस रहती है प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स में, वो चीज़ इसमें नहीं होती है। ये पॉलिसी से ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, क्लियर होते हैं रूल्स, ठीक है। अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक कर दिया तो उसमें कोई भी आपको लिबर्टी नहीं मिलती है, और अगर आप कोई भी नॉन कंप्लायंस करते हो, मतलब उसको फॉलो नहीं करते हो रूल्स को, तो आपको पेनल्टी या पनिशमेंट आपको मिलेगी फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये थे अबाउट दी प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। रेस्ट टॉपिक आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।